हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटोर में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कब खेला गया? दोस्तों, ये खेला गया है 14 जुलाई को। दोस्तों, अगर बात करते हैं ये शुरू कब हुआ था, तो ये 30 मई को क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ था और 14 जुलाई को इसका फाइनल हुआ था। दोस्तों, फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचे थे, जिसमें से इंग्लैंड जीता है। और दोस्तों, बात करते हैं ये फाइनल मैच कौन से ग्राउंड पर हुआ था, तो ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स ग्राउंड पर हुआ था। दोस्तों, वहीं अगर बात करें इस पूरे वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो ये 10 टीमों ने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो दोस्तों, हमने बता दिया है आपको, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किस मैदान पर खेला गया? यह भी हमने आपको बता दिया है, इंग्लैंड के लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर यह खेला गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? ये थी 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं तो फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहुंचे थे, जिसमें कि इंग्लैंड ने भी 241 मारे रन बनाए थे और न्यूजीलैंड ने भी 241 रन बनाए थे। इसके बाद ये मैच टाई हो गया था, तो सुपर ओवर दोनों टीमों को दिया गया था, जिसमें कि दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए थे सुपर ओवर में, तो फिर से ये मैच टाई हो गया था। इसके बाद विनर का जो डिसीजन हुआ, डिसाइड किया गया था, ये मैच में कितनी बाउंड्रीज लगी हैं उसके बेसिस पे विनर डिसाइड किया गया था, और फाइनली विनर निकल के आए थे इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो ये मिला है वेन स्टॉक्स को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 84 रन बनाए थे शुरू में, लेकिन सुपर ओवर मिला तो 8 रन उन्होंने बाद में मिलाए थे, टोटल इन्होंने 92 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? तो ये लगाए थे इयोन मॉर्गन ने। ठीक है दोस्तों, इयोन मॉर्गन ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप में 22 छक्के लगाए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? ये दिया गया था केन विलियमसन को। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वनडे वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं? तो ये सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं रोहित शर्मा ने। इन्होंने 5 शतक लगाए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया है एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो ये डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने एक ही मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इन्होंने एक मैच में 166 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? तो ये मिशेल स्टार्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच किसे मिला? तो ये रोहित शर्मा जी को सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? तो ये सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है 5 बार। हमारी इंडिया ने जीता है 2 बार, इंडिया ने 2 बार जीता और वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार जीत रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये वेस्ट इंडीज़ ने जीता। दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज़ ने
1975 में सबसे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और इंडिया ने भी जीता था। इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, जब कपिल देव जीते। ठीक है दोस्तों, और जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ये भी इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? ये इंडिया में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर का है और इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, इस पे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान में जो चेयरमैन है, शशांक मनोहर हैं। और अगर इनके सीईओ की बात करते हैं आईसीसी के, तो सीईओ हैं इनके मनु साहनी। ठीक है दोस्तों, आईसीसी की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दोस्तों बीसीसीआई भारत की है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है। और ये बीसीसीआई का स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है सीके खन्ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक बार में वीडियो याद नहीं होती, आप एक और बार देखिए, दो बार देखिए, ताकि वो चीज़ें माइंड में छप जाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।